WPL की रिटेंशन लिस्ट आई सामने, पांच टीमों ने इन दिग्गजों को दिखाया बाहर का रास्ता। अगर हम बात करें वीमेंस प्रीमियर लीग की, तो अब इसका रोमांच सभी क्रिकेट प्रशंसकों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। WPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने ही क्रिकेट प्रशंसकों को आश्चर्य में डालते हुए हतप्रभ करते हुए पिछले साल टाइटल उठाया। उनकी शुरुआत अच्छी नहीं था, लेकिन अंजाम बहुत ही सुखद गया। और जो WPL 2024 में RCB ने टाइटल उठाया है, उसके कारण इसकी लोकप्रियता जो है विमेंस प्रीमियर लीग की वो बहुत बढ़ी है। उसमें चार चांद लगा है, जिस कारण BCCI WPL 2025 की तैयारियों में जुट चुका है। और IPL 2025 के तर्ज पर जो रिटेंशन लिस्ट सभी टीमों का आया है, उसी तरीके से WPL 2025 के लिए भी सभी टीमों का रिटेंशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस टीम ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, किन खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ है, और उनके पर्स में ऑक्शन टेबल के लिए कितने करोड़ रुपए बचे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इन्होंने पिछले संस्करण में टाइटल उठाया था, तो भैया जिक्र भी इनका सबसे पहले नंबर पर बनता है। रिलीज खिलाड़ियों के बाद इनके पास पर्स में 3.25 करोड़ रुपए बचे हुए, यानी कि ऑक्शन टेबल पर ये 3.25 करोड़ खर्च कर सकते हैं। अगर हम रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो दिशा कसाट, इंद्राणी रॉय, एंडी क्लर्क, सुभा सतीश, श्रद्धा पुकारकर, सिमरन बहादुर, जो दो मेन खिलाड़ी हैं वो एंडी क्लर्क हैं और सिमरन बहादुर हैं, जिनको रिलीज किया गया है। रिटेन खिलाड़ियों में आए तो स्मृति मंदाना इनकी कप्तान है, एस मेघना, ऋषा घोष, एलिस पेरी, जॉर्जिया वेरहम, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह, सोफी मेलेनक्स, एकता बिष्ट, केट क्रॉस, कनिका आहूजा, डेनियल वैट को इन्होंने ट्रेड किया है गुजरात, आप कह सकते हैं जायंट से। तो एक मजबूत, एक सुदृढ़ और एक सशक्त टीम इनकी रिटेंड में ही दिख रही है। बहुत ज़्यादा इनको ऑप्शन टेबल पर खर्च करने की जरूरत भी नहीं जान पड़ती है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो इनके पर्स में 2.65 करोड़ रुपए बचे हैं। इन्होंने रिलीज किया है प्रियंका बाला को, हुमैरा काजी को, फातिमा जाफर को, इसाबेल वांग, ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया है। इसाबेल वांग को तेज गेंदबाजी संभालती हैं, डेथ ओवर्स में ऑपरेट करती थी, लेकिन शायद इनसे भरोसा उठ चुका है या इनकी चोट के कारण इनको बाहर किया गया। रिटेंड खिलाड़ियों में आए तो हरमनप्रीत कौर कप्तान, यास्तिका भाटिया, अमिला कर, क्लोट्रायन, हेले मैथ्यूज, कैलिटा नेट, सीवर ब्रंट, पूजा वास्त्राकर, सजीवन साजना, सबनिम इस्माइल, साइका इसाक, अमनजोत कौर, अमनदीप कौर और कीर्थना, तो ये इनकी रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची है। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो 2.5 करोड़ इनके पर्स में बचे हुए हैं। रिलीज किया है लॉरा हैरिस को, अश्वनी कुमारी को, पूनम यादव को, अपर्णा मोंडल को, रिटेन्ड किसको किया है, मेग लैनिंग को, सफाली वर्मा को, जेमिमा रोड्रिक्स को, तानिया भाटिया को, एलिस कैप्सी को, एनाबेल सदरलैंड को, मरजाना कैप को, राधा यादव को, शिखा पांडे को, अरुंधति रेड्डी को, जेस जोनासन को, टाइटस साधु को, मीनू मानी को, स्नेह दीप्ति को, तो ये इनकी रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची है। बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ इन्होंने अपने टीम में नहीं किया है। गुजरात जायंट्स की बात करें तो यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए। स्नेह राणा, जो कि पिछले संस्करण में कप्तानी करती हुई कुछ मुकाबलों में दिखी थी, इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये बड़ा फैसला है। फिर कैथरीन ब्राइस को भी बाहर किया गया है, त्रिषा पूजिता को बाहर किया है, वेदा कृष्णमूर्ति को बाहर किया है, पाठन को बाहर किया है, अल्ताहू को बाहर किया है, यानी कि बड़े खिलाड़ियों को किसने रिलीज किया है, गुजरात जायंट्स, जिनका पहला दो संस्करण बहुत साधारण गुजरा था। रिटेन किसको किया, अपनी कप्तान बिथमुनी को, एल उलवाड को, लिचफील्ड को, आयश गार्डनर, हरलीन देओल, हेमलता, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह, सबनम शकील, भारती फुलमनी, काशिव गौतम, प्रिया मिश्रा, सयाली सतघरे को, तो ये जो बड़े नाम है उसमें स्नेह राणा और इन्होंने एल ताहू जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। वहीं हम यूपी वॉरियर्स की टीम की बात करें तो इनके पास अवेलेबल पर्स है 3.9 करोड़, लक्ष्मी यादव, परसवी चोपड़ा, एस शास्त्री, एल बेल, तो ये खिलाड़ियों को रिलीज किया है, रिटेन किया है, एलिस हेली को, किरण नकवीरे, श्वेता शेरावत, दीप्ति शर्मा, चमारिया टप्पू, ग्रेस हैरिस, एस ए क्लेस्टोन, तालिया मैग्रात, राजेश्वरी गायकवाड़, साइमा ठाकुर, अंजलि सरवानी, गौहर सुल्तान, पूनम खेमर, उमा छेत्री, वृंदा दिनेश को, तो ये पूरी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची है। यूपी वॉरियर्स टीम हो गई, चाहे हम बात कर लें
दिल्ली कैपिटल्स टीम हो गई, मुंबई इंडियंस टीम हो गई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। वहीं गुजरात टाइटन्स जायंट्स को एक नई टीम का निर्माण करना है, जिस कारण से बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया है, 4.4 करोड़ अपने पर्स में बचाए हैं। कुछ जरूर दिग्गज खिलाड़ियों पर ये दाव चलने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको अगले संस्करण में विजेता कौन लगता है WPL का। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय भारत।